सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर न्यू चैनल मिस्टर सैम फैक्ट। हेलो, बात करने वाले हैं यहाँ पे केबिन क्रू क्या होता है, केबिन क्रू कैसे बने और केबिन क्रू के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो आप सभी को मालूम है कि वर्तमान समय में अधिकतर जितने भी यंगस्टर हैं सभी को मन होता है या उनका सपना होता है कि एयरलाइंस में नौकरी करें। तो एयरलाइंस में या तो कोई पायलट बनना चाहते हैं या फिर कोई केबिन क्रू बनना चाहते हैं। तो आज लोग बात करने चाहते हैं कि केबिन क्रू कैसे आप बन सकते हैं। तो दोस्तों, अधिकांश छात्र और छात्राएं केबिन क्रू बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता है कि केबिन क्रू कैसे बनते हैं और क्या क्वालिफिकेशन होता है, कौन सा कोर्स करना होता है इसके लिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केबिन क्रू होता क्या है। तो केबिन क्रू वो होता है कि फ्लाइट में यात्री जहाँ बैठते हैं उस स्थान को केबिन के नाम से जाना जाता है। सभी फ्लाइट में यात्री बैठने के लिए केबिन होता है और यात्रियों की सेवा और केबिन की रक्षा के लिए कर्मचारी होते हैं। केबिन में जो कर्मचारी होते हैं उन्हें ही केबिन क्रू कहा जाता है। एंड देन उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि केबिन क्रू उसे कहते हैं जो फ्लाइट तथा एयरलाइन में यात्रियों को सर्विस देता है और आरामदायक घर जैसा महसूस करवाता है। इनका मुख्य काम फ्लाइट में आने वाले सभी यात्रियों को सर्विस देना है, जैसे यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, फ्लाइट के नियमों के बारे में जानकारी देना, यही काम है केबिन क्रू का। चलिए अब बात करते हैं केबिन क्रू को जो है कुछ अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कि फ्लाइट अटेंडेंट, स्टेवर्ड, एयर होस्टेस। एयरलाइन में जो महिलाएं केबिन क्रू में काम करती है उन्हें एयर होस्टेस के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं केबिन क्रू के लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो उम्मीदवार को सबसे पहले तो 12 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, चाहे वो आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो, कोई मैटर नहीं करता है, या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हो, बीए, बीएससी, बीकॉम में, तब भी आप केबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करते हैं तो एज जो है इसमें 18 से 25 साल होना चाहिए। मतलब कई ऐसे भी एयरलाइंस होते हैं जहाँ के 35 ईयर्स तक के एज यहाँ पर रखे जाते हैं। चलिए बात करते हैं, वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शरीर पर कोई भी विजुअल टैटू नहीं होना चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी का नॉलेज होना चाहिए उनको, चेहरा स्मार्ट लुकिंग होना चाहिए एंड उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और आवाज़ मधुर होनी चाहिए। एंड यहाँ पे इंटरनेशनल एयरलाइंस में केबिन क्रू बनने के लिए आपको स्विमिंग भी आनी चाहिए। चलिए बात करते हैं हाइट्स की। तो केबिन क्रू के लिए जो हाइट माना गया है, तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनको 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल कैटेगरी को 5.2 सेंटीमीटर होना चाहिए, आँख की समस्या कुछ नहीं होनी चाहिए, 6x6 उनकी होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं केबिन क्रू कैसे बना जाए। तो केबिन क्रू बनने के लिए सबसे पहले तो मैंने बताया कि 12 पास होना चाहिए एंड एयरलाइंस भी जो है कभी कभी नोटिफिकेशन जारी करती है केबिन क्रू के लिए, वैकेंसी निकालती है। तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है एंड देन आपको इंटरव्यू के वहाँ पर बुलाया जाता है। इंटरव्यू के बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद जो है आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन होने के बाद जो है आप एक सक्सेसफुली केबिन क्रू बन जाते हो। चलिए बात करते हैं अब केबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है। तो सभी एयरलाइंस में जो है कंपनी केबिन क्रू को अलग अलग जो है सैलरी देती है। ऐसे इसकी सैलरी अगर नॉर्मली माना जाए तो 30,000 से लेकर 50,000 रुपये तक होती है। वहीं आप यदि एक्सपीरियंस हो गए हो तो एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी बढ़ जाती है। वहीं अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में केबिन क्रू की सैलरी की बात करें तो वहाँ पे 70,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक सैलरी मिलती है। तो आई थिंक कि आपको केबिन क्रू के बारे में जानकारी हो गई होगी कि केबिन क्रू क्या है, क्या इनका काम है, कैसे आप सलेक्शन लोगे, कितनी सैलरी मिलती है। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था, तो अगले बाय बाय एंड थैंक यू।